कोविड-19 के आगोश में आ रहे मरीजों का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा है। सोमवार को जिले में 31 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। जिले में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 467 हो गई है। अभी तक 302 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 152 मरीजों का विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि CMO डॉ. श्रीकांत तिवारी ने की। आपको बता दें कि गोरखपुर में सोमवार को एक साथ 31 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 16 शहरी तो 15 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 467 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों में शहर के कूड़ाघाट से 3, बसंतपुर से 1, ABC शाहपुर से 1, गौतम विहार तारा मंडल से 1, हुमायूंपुर से 1, पुराना गोरखपुर से 1, मियां बाजार से 1, जाफरा बाजार से 1, पुलिस लाइन कैंट से 1, रेलवे कॉलोनी से 1, आर्यन हॉस्पिटल के पास से 1, सिद्धार्थ इनक्लेव से 1, फातिमा हॉस्पिटल से 1 संक्रमित शामिल है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के गहासाड़ में 1, सैजनवा के भपसा में 1, दोमहर से 1, पिपरा वार्ड नंबर 10 से 1, जोगिया पाली से 4, सरदार नगर से 3, कौड़ी राम के कनैल से 1, कैंपियरगंज के नितवर बाजार से 1 और पिपरौली के हरैया से 1 संक्रमित शामिल है। आपको बताते हैं कि एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा बरती जा रही सावधानियों के क्रम में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के चिन्हित किए गए जगहों को सैनिटाइज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।